वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वीराज राजपूत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल 18 इंडिया। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर आए बिग अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे। और बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है ये फिनो पेमेंट बैंक की ओर से। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों, ये बिग अपडेट कौन सी इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो इस तरह दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको दिखा दूँ, यहाँ पास ये फिनो पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पास ये अनाउंसमेंट हुआ है, बिग अपडेट आया है। फिनो पेमेंट बैंक लाइकली टू अप्लाई फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एज MD। कहने का मतलब साफ है दोस्तों, अब फिनो पेमेंट बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिवर्तन होने वाला है, जिसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया है RBI को। तो यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक विच स्टार्टेड ऑपरेशन अबाउट 2 ईयर्स अगो इस लाइकली टू अप्लाई टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI टू कन्वर्ट इट सेल्फ इन ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिवर्तन होने वाला है। और यहाँ पास न्यूज रीड मोर में क्लिक करके आप देख भी सकते हो, यहाँ पास पूरा डिटेल बताया गया है। आप यहाँ पास आके चेक कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों, पूरा ये डिटेल्स में दिया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें परिवर्तन होने वाला है और किस तरह से ये कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पास बहुत ही गुड न्यूज़ है दोस्तों सभी फिनो मर्चेंट भाइयों के लिए, और इससे अच्छा खासा कमीशन भी मिलने वाला है और हमारे कस्टमर को फ़ायदा भी होने वाला है और कस्टमर को सुविधा भी मिलने वाला है। क्योंकि हमारे बैंक पे कोई भी लेन देन करने के लिए आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर पूछते हैं कि भाई आपके बैंक पे लोन है कि नहीं, ये सब चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं। तो ये बहुत जल्दी ही RBI की तरफ से इसका अप्रूवल की जानकारी आएगा और इसके बाद ये फिनो पेमेंट बैंक में अपडेट आ जाएगा कि आप जल्द ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। तो दोस्तों, हम जैसे इसका अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, और आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि हम जितना भी अपडेट आएगा उसको बताएंगे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको फिनो पेमेंट बैंक, मतलब ये पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अंतर क्या है इस चीज़ को स्पष्ट कर देता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पास तो यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जाने क्या है पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पास साफ शब्दों में लिखा गया दोस्तों, पेमेंट बैंक यानी एक बैंक जो कर्ज नहीं दे सकते हैं, आप उनमें से सिर्फ पैसा जमा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये ऐसे बैंक होंगे जिनमें आपका खाता पेमेंट करने में काम आएगा। पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, साथ साथ लोन प्रोवाइड भी नहीं कर सकता। जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों, क्लियर यहाँ पास है कि ये छोटे बैंक लघु उद्योग को लोन दे सकते हैं, यह ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, साथ ही यह हर तरह की बैंकिंग सर्विस दे सकेंगे। हालांकि इसका दायरा सीमित होगा, ये बैंक ऐसी जगहों पर होंगे जहाँ बैंकिंग की सुविधाएँ बेहद कम हैं, ऐसे जगहों पर इनका फोकस होगा जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ शुरुआती स्तर पर है, हालाँकि यह विस्तार भी कर सकेंगे। तो क्लियर है दोस्तों कि स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा और माइक्रो फाइनेंस, समूह में लोन, पर्सनल लोन, ये सब प्रोवाइड किया जा सकेगा, जबकि पेमेंट्स बैंक में केवल पेमेंट कर सकते हैं और इसमें डेबिट कार्ड ही मिल सकता है, साथ में इसमें 1 लाख तक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है फिनो पेमेंट बैंक की ओर से कि अब फिनो पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिवर्तन होने वाला है। जैसे ही इसका अप्रूवल आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक सर्विस दे सकेंगे। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।